हाथरस दुष्कर्म मामले में सियासत गर्माती ही जा रही है। रविवार को समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सपा कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की गाड़ियां अलीगढ़ से हाथरस जाते हुए 20 किलोमीटर पहले रुकवा दी गई, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद और उनका काफिला पैदल ही अलीगढ़ से हाथरस निकल पड़ा। उसके बाद उनके काफिले को हाथरस के शासनी कस्बे के पास रोक लिया गया और फिर भीम आर्मी ने वहीं धरना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही भीम आर्मी के 10 लोगों को प्रशासन ने अनुमति दे दी और उसके बाद भीम आर्मी के 10 लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकल पड़े। इन सब हंगामों के बाद चंद्रशेखर आजाद पीड़िता के गांव पहुंच चुके हैं और उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की। हम कल रात से ही हाथरस में मौजूद हैं और पल पल की जानकारी जो है वो हम ताज़ा तौर पर अपने दर्शकों को देते जा रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी खबर है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जो है वो इस बंद कमरे के अंदर जो पीड़िता के परिवार है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि चंद्रशेखर काफ़ी दूर से लगभग 20 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलकर हाथरस तक पहुँचे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी को कुछ दूर पहले ही वहाँ से रोक दिया गया और उन्हें आने की इजाज़त नहीं थी, पर फिर भी वह जो है पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं और अब पीड़िता के जो है परिवार से मिलेंगे। पिछले दिनों में जब सैटरडे शनिवार की रात को जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो चंद्रशेखर ने जितने भी सफाई कर्मचारी हैं और भीम आर्मी के जितने भी जो उनके कार्यकर्ता हैं या सदस्य हैं उनसे अपील करी थी कि चाहे कुछ भी हो इस बार हाथरस जाना ही है, चाहे फिर डंडे हो, लाठी हो या जेल ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन उन्होंने अपने हर जो भीम आर्मी के सेवक हैं उससे कहा था कि हाथरस ज़रूर पहुंचना है क्योंकि हमारी बहन को न्याय मिलना है। तो और आज फाइनली चंद्रशेखर जो है वो अंदर है, मीटिंग कर रहे हैं।